जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आए आज के विषय में चर्चा करते हैं। दो भावाधिपति, दो स्थान का स्वामी ही जो है राजयोग प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं, दो भावाधिपति का मतलब है त्रिकेश, अर्थात तीन भावों के स्वामी, 6, 8, 12। इन भावों के स्वामी भी राजयोग प्रदान करते हैं। जानते हैं कैसे? उत्तराकालामृत में जो है तो यह बात जो है स्पष्ट की गई है, और यह एक साधारण नियम के अनुसार जो है तो सफल करते हैं। विशस्य विष मौषधम, विष ही विष की जो है औषधि होती है, अर्थात जहर ही जहर का काट है, जहर से ही जहर का इलाज किया जाता है। इसी तरह से यह तीनों भावों के अधिपति, यह त्रिकेश एक पाप भाव के स्वामी होने के कारण यह पापी हो गए, यह अनिष्टप्रद हो गए। और यदि जो है ये आपस में संगत करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक दूसरे के दोष का जो है तो समन करते हैं, और जब दोष नहीं रहेगा, दोष खत्म हो जाएगा, अरिष्ट नाश हो जाएगा, तो वह ग्रह जो है सफल प्रद हो जाएगा, वह सफल देगा। इसी को जो है हम दूसरे शब्दों में राजयोग कह सकते हैं। हाँ, लेकिन यह ग्रह जो है राजयोग कब बनाते हैं, इस विषय को जो है जानने की आवश्यकता है। इसमें एक शर्त है, यह ग्रह एक दूसरे के भाव में यदि अन्योन्य योग में स्थित हो, या एक ही भाव में जो है ये युति करे, किंतु इनके ऊपर किसी ग्रह की युति नहीं, दृष्टि नहीं हो, इनके साथ में किसी अन्य भाव के अधिपति की जो है युति नहीं हो, केवल आपस में जो है यही एक दूसरे को जो है तो दृष्टि डाले, एक दूसरे से दृष्ट हो, या जो है एक दूसरे के भावों में स्थित हो, या एक ही भाव में जो है ये स्थित हो, तो यह जो है तो राजयोग प्रदान करेंगे। इसी तरह से यदि जो है जन्म कुंडली में कोई ग्रह जो है नीच का हो, और जो ग्रह नीच का है उसका नीच का स्वामी उच्च राशि में स्थित हो, जिस राशि में वह ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी उच्च राशि में स्थित हो, इसी तरह से जो ग्रह जो है जिस राशि में उच्च का होता उस ग्रह का स्वामी भी यदि जो है उच्च राशि में स्थित हो, तब भी जो है, और एक शर्त और भी है, ये दोनों जो है केंद्र में स्थित हो, यदि इनमें से कोई एक भी केंद्र में स्थित हो तथा जो है चंद्रमा से दूसरे स्थान पर शुभ ग्रह की स्थिति हो, तो यह योग भी राजयोग प्रदान करेगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति राज्याधिकारी होगा, राज्य पदाधिकारी होगा, मंत्री होगा, क्योंकि जैसी ग्रह की स्थिति होगी उसके अनुसार जो है तो यह फल देगा। शास्त्र कहता है कि क्षेत्राधिपो लभेत ग्रामम, ग्रामेशो नगरम लभेत, नगरेशो लभेत देशम,
देशेशो राज्यमाप्नुयात् क्षेत्राधिपो लभेत् ग्रामम्। क्षेत्र का अधिपति ग्राम का लाभ मतलब ग्रामाधिकारी बना सकता है, ग्रामाधिपति नगराधिकारी बना सकता है, नगराधिपति देश का जो है तो अधिकारी बना सकता है, देशाधिपति किसी राज्य का अधिकारी बना सकता है। इसलिए जो है जैसी स्थिति होगी कुंडली में उस ग्रह की और वह जिस भाव का स्वामी होगा उसके अनुसार जो है तो वह फल देगा। तो आज हमने जो है ये दो विषय में जो है तो चर्चा की है, एक ग्रह के विषय में जो अकस्मात पद प्रतिष्ठा मान सम्मान राज्य तथा जो है बड़ा ऐश्वर्य मंत्री पद आदि भी जो है तो प्रदान कराता है, यह जो है त्रिकेश की स्थिति से जो है तो हमें प्राप्त होती है, राज्याधिकार दिलाता है, पुरातत्व से अच्छा लाभ कराता है तथा नीचाधिपति कोई ग्रह और वह जिस राशि में नीच का है उसके अधिपति की स्थिति के अनुसार तथा जो है उसकी उच्च राशि के अधिपति की स्थिति के अनुसार आप लोग जो है तो निर्णय करके किसी भी कुंडली का सटीक फलादेश कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पुनः मिलेंगे। राधे राधे।